छोले भटूरे नाम सुनते ही भूख लग जाता है, लेकिन बनाने के नाम पर थोड़ा सोचना पड़ता है। प्याज काटने, टमाटर काटने, उसे ग्राइंड करना है वगैरह वगैरह। लेकिन आज आप हमारे इस पूरी रेसिपी को देखिए, ना तो आपको प्याज काटने का झंझट है, ना उसको पीसने का झंझट है, और ना ही चने को उबालने का झंझट है। बस एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमने रात को ही काबुली चने को भिगने रख दिया था, और अब हम इसे कुकर में डाल लेते हैं। कुकर में डालने के बाद दो मोटे स्लाइस में कटे हुए प्याज, दो मोटे स्लाइस में कटे हुए टमाटर, चार से पांच हरी मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, चार छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची, चार पांच लौंग और पानी डाल दें। पानी डालने के बाद नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, और आप पानी की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। बस चने से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा होने पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा। चार से पाँच सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। तब तक हम आटा तैयार करते बटोरे के लिए। तो हमने 250 ग्राम मैदा लिया, थोड़ा सा हमने इसमें चीनी यानी हाफ चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच तेल डालकर इसे मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। मैदे को थोड़ा अच्छे से दम लगाकर गूंथें ताकि एक सॉफ्ट डो तैयार हो। तो मैदे गूंथ के तैयार हैं। अब हम इसे रेस्ट के लिए आधा घंटा छोड़ देंगे। इधर हमने एक कप पानी लिया है और इसमें एक चम्मच चाय पत्ती डाल दिया और इसे उबाल लेंगे। इस चाय पत्ती के पानी को हम लोग छोले में यूज़ करेंगे कलर के लिए और एक अच्छे से टेस्ट के लिए। इधर जो है चने उबल गए हैं टमाटर प्याज के साथ, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे फिर से गैस पर चढ़ा लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा कलछी से आप इसे मैश कर दें, ज़्यादा मैश ना करें। और फिर हम इसमें सभी मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा मसाला पाउडर, एक चम्मच धनिया मसाला और एक चम्मच छोले मसाला भरकर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चाय का पानी हम इसमें डालेंगे यानी चाय पत्ती का पानी डालेंगे, ताकि इस पानी से एक बाजार जैसे छोले का कलर आएगा और साथ में एक टेस्ट भी बिल्कुल होटल जैसा होगा। साथ ही हमने इसमें थोड़े से कस्तूरी मेथी डाल दिए क्रश करके, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग चाय का पानी डालने के बाद हमने इसे 5 मिनट तेज आंच पे पकाया है और यह बिल्कुल पककर तैयार है। तो हमने लास्ट में धनिया पत्ती डाल दिया, और अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तो मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा सरसों तेल लिया, जीरा हाफ टी स्पून, चार लाल मिर्च और थोड़े से हाफ टी स्पून हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए कलर के लिए, और अब गैस को बंद कर देंगे और छोले में तड़का लगा दिए। तो लीजिए, बिल्कुल इजी मेथड से छोले बनकर तैयार है। आटा भी आधा घंटा रेस्ट हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और मसल देंगे और छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तरीके से थोड़ा हाथ से प्रेस करके फैला ले और इसे बेल ले। आप चाहे तो इसे गोल बेल सकते हो, मैं थोड़ा लंबा बेल रही हूँ, देखने में अच्छा लगता है। और मैंने पहले से ही गैस पर पैन में तेल डाल रखा है, यह बिल्कुल गर्म है। तो गर्म तेल में इस तरीके से डाल दें और फिर थोड़ा सा ऊपर से कलछी से प्रेस करें, घुमाते रहें और थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डालते रहें। इससे तुरंत से पूड़ियाँ फूल जाती है। ये देखिए, इसे पलट देंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे छान कर निकाल लेंगे। बिना किसी मेहनत का, ना तो हमने आटे में दही डाला, ना ही इनो डाला, और कितना अच्छा बढ़िया सॉफ्ट भटूरे बनकर तैयार है। छोले भी बिल्कुल इजी मेथड से बहुत ही जल्दी बनकर तैयार है। तो दूसरा भी हमने इस तरीके से छान लिया है। इसी प्रोसेस से सारे भटूरे छान कर निकाल लेंगे। और मैं थोड़ा सा छोला हटा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया छोले का कलर आया है, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी कितनी थिकनेस है। ना तो प्याज टमाटर पीसने का झंझट, ना ही कुछ भी झंझट लगा बनाने में इसे। और अब मैं इसे खाने के लिए सर्व कर रही हूँ। तो लीजिए, छोले तैयार है। छोले का ग्रेवी देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया कलर आया है और कितनी अच्छी थिकनेस है। और ये भटूरे तैयार हैं। तो छोले भटूरे बनकर तैयार है, तो थोड़ा सा टेस्ट तो बनता है। तो मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए जो बिल्कुल फ्री है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और ये मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त यमी। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, मेरा दावा है ये आपको बहुत पसंद आए।